ये बंधुआगिरी की मोहर हम सब पर एक कलंक है। अगर हमें इस कलंक को मिटाना है तो हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपना हक छीनना पड़ेगा। हम सब लोगों को ये बंधुआ मजदूरी से आजादी चाहिए, बस ई कालिए तू जे कही है वो सब हम करिए। अब हमारी दुश्मनी एक पड़ाव आगे बढ़ चुकेगी। अब हम चुनाव लड़ेंगे, तेरे खिलाफ लड़ेंगे। तो आज हम तीनों ये प्रण लेते हैं कि हम हर मुश्किल का सामना डटकर करेंगे और उस पर विजय हासिल करेंगे, और हमारे त्रिकोण को कभी टूटने नहीं देंगे। हम तो कोई मिठाई इसलिए खिलाना चाहते काहे कि हम चुनाव जीतने वाले। प्रत्याशियों की सूची से आप हमारा नाम काट दीजिए, हम इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, हम अपना नाम वापस ले रहे। चीकू ललन, ये सब सामान तो हम समेट लेंगे, तुम लोग बड़ी सड़क पर जाओ, वहां पर जो सामान है उसे समेट लो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? यहां देखो, अपना नाम चुनाव से वापस क्यों ले लिया बिना हमें कुछ बताए? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं चकोर? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता था कि तुम ही जीतोगी, फिर भी तुमने अपना नाम वापस ले लिया, क्यों किया? और हम सब ये नाटक क्यों कर रहे थे? चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ना हम, लेकिन तुमने अपना नाम किया क्यों तुमने ऐसा? जवाब दो चकोर, चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा, जवाब दो हमें। जवाब चाहते हो तो आओ हमारे साथ। चकोर, हमें अंदर कहां लेकर जा रही हो तुम? क्या दिखाना चाहती हो? चकोर, चाहे तुम कुछ भी दिखा लो हमें, लेकिन हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे इसके लिए। तुमने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया, उसके पहले क्या एक बार भी तुमने सोचा कि आजादगंज के लोग उनका क्या होगा? वो लोग तुमसे उम्मीदें लगाकर बैठे चकोर, उनके बारे में कुछ सोचा तुमने? क्यों किया तुमने चकोर ऐसा? जब भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चकोर, तुम आ गई क्या बेटा? सुरेश,
चकोर हमें हमें जरूर ढूंढ निकालोगे। पर बेटा तुमने बहुत टाइम लगा दिया, 5 साल तुम्हें अपने माँ की याद नहीं आई। आई मम्मी, लेकिन हम जानते थे कि हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, और देखिए आप हमारे सामने। हमारी नेता कैसी हो? चकोरिया जैसी हो। अब ये पर्चियां बांटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चकोर ने तो चुनाव से नाम वापस ले लिया है। अब ना होगा नोमन तिल, ना राधा नाचेगी। चकोर तो चुनाव में हार गई है। अब जाओ, सब अपने अपने घर जाओ और मातम बनाओ। चुप करो, इका बकवास किया जा रहे हो? अरे हम बक नहीं रहे कस्तूरिका की, ये हम सच बता रहे। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं है तो जाओ अपनी बिटिया रानी से जाके पूछ लो। चकोरिया, चकोरिया, हमारी जगह अगर आप लोग होते तो आप लोग भी शायद यही करते। हम इमली से चुनाव कभी भी लड़ सकते, इमली को मात कभी भी दे सकते, मगर अगर अभी हम चुनाव लड़ते तो किसी की जान चली जाती, और मरने के बाद वो वापस नहीं आता। चकोरिया, किसके मरे की बात कर रही है? हाँ, कौन है?